Good morning everyone, welcome to the Wi-Fi study channel changing the way of learning, India's number one online education channel and the part of an academy. So guys, एक बार सारे के सारे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कर दीजिए यहाँ पे क्लास शेयर. आज की क्लास में जो हम शुरू करने वाले हैं वो टेस्ट सीरीज टाइप शुरू करने वाले हैं. इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपडेटेड रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी सारे केमिस्ट्री का अभी दोबारा से मैं सारे क्वेश्चन लेके एक बार चैप्टर वाइज. जैसे हम शाम को फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हैं ना, वैसे मैं केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको कराऊंगी. तो पहले एक बार सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. ओके, राइट राइट राइट. बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम वगैरह जिसके भी हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं? एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी चल ही रहा है यहाँ पे ना, तो 24 तक अभी वो चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. मिक्स टेस्ट का साइंस जो पूछी जा रही है एसएससी सीजीएल के अंदर जो पूछी जा रही है वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो उन 4 से 5 क्वेश्चन में हो सकता है एक आधी अपनी क्लास से हो. तो अब आगे से लेके, मतलब आज से लेके अब तक आगे तक क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में और हर शनिवार करेंगे सब्जेक्ट या टॉपिक के. जैसे शनिवार जो है वो मैं आपको केमिस्ट्री के कराऊंगी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपने एक ही क्लास की है ना, एटलीस्ट उसकी तो मैं आपको 2-3 क्लासेस कराऊंगी. तो इस शनिवार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे पहले 5 टेस्ट जो है ना वो मिक्स टेस्ट दे दीजिए, तो थोड़ी सी चीजें आपकी सेटल्ड आउट होंगी है ना. थोड़ा सा हम पढ़ना शुरू करेंगे डिटेल में. उसके अलावा फिजिक्स की आपको पता है ना एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो चल रहे हैं वो शाम को 6 PM की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में चल रहे हैं है ना. तो यहाँ से वो आप अपडेट कर लीजिए. अभी 3 ही चैप्टर्स के कंप्लीट किए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन और फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मोशन और फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये आपके दोबारा भी रिपीट करेंगे. एज आई स्टेटेड, हर एक चैप्टर को हम 2-2 बार रिपीट करने वाले हैं, यानी कि 2 दिन जो है ना वो एक ही चैप्टर के क्वेश्चन चलेंगे, सिंगल चैप्टर. तो उससे ना आपको चैप्टर की समझ भी आएगी. तो आज 6 बजे, कल परसों नहीं हुई थी ना आपकी, कल परसों कोई भी क्लास नहीं हुई थी, आज आपकी 6 बजे से भी क्लास जो है ना होने वाली है, ठीक है. उसके अलावा 7 PM पे स्टैटिक जीके एंड देन अन अकेडमी का एसएससी कॉम्बैट टेस्ट जो संडे रहता है. तो कल दिए हैं आप लोग सारे के सारे कि नहीं दिए? 50 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन के आंसर करने लग रहे हैं और ये सारा. तो अभी आज की क्लास से क्या करने वाले हो, अच्छा कोई भी अन अकेडमी पे आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ्स या 12 मंथ्स के लिए लीजिए, ताकि आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी, इनफैक्ट 76%. और कोई भी अन अकेडमी पे आप क्लासेस को सब्सक्राइब करते हो तो आप शिप्रा लाइव कोड जो है यूज कर लेते हो. और उन सबसे सबसे पहले ये काम करिए, आप वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए, जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन या नई क्लास जो भी इंक्लूडेड होगी. जैसे इस वीक के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछले 2 वीक्स के लिए आप बस मेरा सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा, वरना अब आगे के, यानी कि अभी आधा महीना बचा, आधे महीने में मैक्सिमम क्लासेस लेने की कोशिश करूंगी, साइंस की भी और स्टैटिक जीके के भी. जो टॉपिक छूटे हुए हैं वो भी सारे ग्रुप डी के लिए ना हम बढ़िया से तैयार करेंगे. तो आज के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही है, ताकि आपको टेंशन ना हो कि केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री तो रहेगा. तो यार समझ आ गया, अब से लेके अब आगे आपको जो है ना वो साइंस के, कंप्लीट साइंस के, कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं, मिक्स टेस्ट करने वाले हैं जो कि कंप्लीट साइंस के होंगे, ठीक है, कंप्लीट साइंस के. तो जहां से भी आपको जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत लगेगी और डिटेल डिस्क्राइब करके करेंगे तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. कॉपी पेन लेके बैठना है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है वो आप लिख सकते हो, बाकी पीडीएफ में जितना एक्सप्लेनेशन हो सकती है या दी जा सकती है, कोई चार्ट्स वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हो, वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है. लेकिन उसके अलावा भी पेन पेपर लेके आंसर करना है और डेली अपनी स्कोरिंग देखनी है कि 30 में से आपको कितने सही क्वेश्चंस के आंसर पता है. 10 पता है, 12 पता है, 28 पता है, 30 पता है, 20 21 पता है. तो डेली अपना ऑन एन एवरेज चेक करिए और जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक का आंसर कंटिन्यूअसली 2 बार गलत हो चुका है या ये तो मुझे समझ नहीं आया, तो उस टॉपिक एज अ टॉपिक को ना पढ़ना शुरू करिए, ठीक है. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे और आंसर करिए. विच नॉन मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बताओ जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर डेली. इसमें कई सारे बच्चे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी कमेंट की मिक्स टेस्ट करा दो, क्योंकि अभी टाइम भी देखो मिक्स टेस्ट का ही है. शाम की 6 बजे की क्लास टॉपिक वाइज चलते हैं, फिजिक्स का जैसे चल रहा है वैसे ही केमिस्ट्री का चला लेंगे, बायो का तो किया ही है वैसे ही केमिस्ट्री का भी कर लेंगे अपडेट, ठीक है.
अब ये बताइए विच नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल लिखा है तो यहाँ पे हम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट करके बता रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि अगर आपको ये एलिमेंट भी पूछा जाता ना, विच एलिमेंट हैज दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसमें मौजूद होते हैं, कार्बन में। मेल्टिंग पॉइंट पूरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का और उसके एलोट्रॉप्स का ही होता है। डायमंड को पिघलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डायमंड मैंने बताया, डायमंड तो गर्म ही नहीं होता है, हीट पकड़ता ही नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। अगर आप वैसे देखते हो तो टंगस्टन का 3380 जिसको आप 3400 भी लंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में 3380 ना लिख के 3400 डिग्री सेल्सियस भी आएगा तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन आप याद रखिए कि नॉन मेटल्स हो या सिर्फ एलिमेंट्स या तत्व भी लिखा हो तो 118 में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कार्बन का है। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो देखो डिटरमाइन करने की बात इतनी सी हो जाती है कि आपके पास आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है। वैल्यूज कैसे लर्न करनी है कि मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का और मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अगर आपसे पूछा जाए, कार्बन का पूछा जाए, तो एज एन टोटल अभी मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा आप मैक्सिमम भी ले जा सकते हो तो टंगस्टन का ले जा सकते हो, कितना 3400, लेकिन यहाँ पे देखो आप कार्बन का मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3550 होता है। तो याद रहेगा भी यहाँ पे इस वैल्यू को जरा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3550 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो कार्बन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी ज्यादा 4827, यानी कि आप आराम से जो कार्बन है उसके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाओगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने का मतलब क्या है कि आपने उसके जो बॉन्ड्स है ना उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, है ना। अगर आप इजिली तोड़ पा रहे हैं जैसे पानी है तो वो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने कहां लेके, बॉइलिंग पॉइंट कहां लेके गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद है नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आप ये देखो कितना ज्यादा है ना, 48 गुना ज्यादा है, 4827 लिखा हुआ है। तो अगर आपको कार्बन को गर्म करना है तो कम से कम नहीं तो टेम्परेचर 4827 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। और ये दोनों वैल्यूज लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 4827 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी देखो यहाँ पे एकदम डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, डायमंड बहुत ज्यादा कठोर भी है तो 3.52, और इसकी डेंसिटी कितनी है ग्रेफाइट की 2.25। तो अब ये वाला चार्ट आपकी ना पीडीएफ में लगा हुआ है, कृपया करके जो चीज आपको लर्न करनी है वो ये चार पॉइंट्स है। क्या लर्न करना है यहाँ पे, ये चार पॉइंट्स जो है ना ये लर्न करना है, ठीक है। ये चार पॉइंट्स लर्न करेगा प्लीज करके। अब देखो जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, हालांकि हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन प्लस टू ही पढ़ी है, 6 है एटॉमिक नंबर, ये शेयर करेगा यहाँ पे तो कितना हो गया, ज्यादा से ज्यादा 4 शेयर करेगा या 4 ये किसी को किसी के साथ शेयर ही करेगा, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर हो सकती है, यानी कि ऑक्सीकरण की जो संख्या है वो चेंज यहाँ पे हो सकती है। तो ये चारों वैल्यू के साथ ये वाला आंसर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर बता दीजिए, मैक्सिमम नंबर आइसोटोप्स के सबसे ज्यादा किस एलिमेंट में होते हैं। आइसोटोप अभी तक समझ आ गया आपको, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप आवाज कम आ रही है क्या, अच्छा पहले बताओ आवाज कम आ रही है, ठीक है ना, आवाज कम ज्यादा, आवाज वीडियो वगैरह में कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ये क्लासेस भी ये 2-4-5 मिनट ही डेली लेट होता है ना, ये इसी की वजह से ये बोर्ड और कैमरा सेट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। नहीं नहीं कितना भी जल्दी, ये ना ऐसा होता है कि जब भी हम जल्दी खोल लेंगे ना एकदम, मैं इसको 6:30 पे ही ऑन कर लू सारा सिस्टम तो ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट खुल जाएगा। जिस दिन मैं इसको 6:45 पे खोलू या 6:45 पे ओपन करू सारा सिस्टम उस दिन तो पक्का ही गलत हो जाता है, और जिसकी वजह से ना 4-5 मिनट क्लासेस। अच्छा आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, अभी क्लास शुरू हुआ था तो एक बच्चे का कमेंट था कि पहले मैम हमेशा लेट जल्दी आती थी, अब ये लेट का झंझट हो गया। लेट का झंझट सिर्फ इसलिए ये सारा सिस्टम ऑन करना पड़ता है ना,
इसकी वजह से। अदरवाइज अच्छा ठीक है, आगे यानी कि कल की क्लास से ये बिल्कुल कोशिश रहेगी 7 या 7:01 मैक्सिमम, ठीक है। पहले से ही सारा सिस्टम 6 बजे ही खोल दूंगी मैं इसको, ताकि ये तैयार रहे ना। तो मैं मैक्सिमम 7 या 7:01 तक ना क्लास स्टार्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आवाज वगैरह सब ठीक है ना? स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 2 बार होती है, एक 9 बजे अभी यूट्यूब चैनल पे होगी जो टॉपिक वाइज चल रही है, और आज स्टैटिक जीके की क्लास अटेंड करनी है क्योंकि आप में से ही मैक्सिमम बच्चे बोले ना आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है आर्टिकल्स, है ना। तो आज की क्लास में एक्ट्स और आर्टिकल्स हैं, सारे के सारे अनुच्छेद और उनके ऊपर महत्वपूर्ण जो उनके अधिनियम है एक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले। चलिए ठीक है, ये बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, समस्थानिक के आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स देखो, समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जब आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के उससे ज्यादा वेरिएंट हो सकते हैं। आप ऐसा लर्न कर लो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब क्या है, समस्थानिक का मतलब क्या है, जब आपके पास एलिमेंट तो एक ही है ना, और उसी सेम एलिमेंट के यानी कि एक्स 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 के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे उनके मास नंबर जो है ना वो अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मास नंबर जो है वो अलग हो सकते हैं, 1, 2, 3, 1, 1, 1, है ना। तो आप उसको क्या, देखो लर्न करने का एक तरीका है, आप ऐसे लर्न करो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं तो आप लर्न कर पाओगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम किस एलिमेंट के, हाइड्रोजन के अलावा कितने आइसोटोप जो है ना वो किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, जैसे 20 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, ये सारी चीजें ना। तो आप याद रखिए कि टिन जो है ना उसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स। अच्छा एक चीज और इसमें आनी है कि स्टेबल आइसोटोप, अनस्टेबल आइसोटोप तो बहुत सारे हैं, अनस्टेबल आइसोटोप तो एक एक एलिमेंट के 18-20 भी हो सकते हैं, 18 हैं, 12 हैं, 20 हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप जो है ना वो किसके हैं, तो आप आंसर यहाँ पे हमेशा टिन करिए, बताइए किसी को कोई और आंसर तो नहीं लग रहा है ना, टिन ही लग रहा है। अच्छा सारे ही लग रहे हैं, लिथियम, लेड, पोटेशियम, जिनॉन के होते हैं, जिनॉन के भी होते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं। आपसे इतना पूछा जा रहा है कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिए कि हम यहाँ पे उन एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं जो स्टेबल है, स्थाई है। जिनोन के आइसोटोप होते हैं 18-20 आइसोटोप होते हैं, 18-20 होते हैं, लेकिन वो आइसोटोप स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप जो है वो किसके होते हैं, टिन के होते हैं। अब जरा मुझे आप टिन का ना एटॉमिक नंबर बता दीजिए, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कोई बात नहीं, गलत, आप आगे से याद ही रखिए, टिन का होता है, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सारे के सारे, अरे होते तो बहुतों के हैं, मैंने क्या बोला, आप लर्न करिए उसको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहली बात ये कि ये 36 सीजियम के 36, सीजियम और फ्रेंशियम ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी नहीं करते। मैंने आपको बोला था ना, आपने कभी कोई ऐसा एलिमेंट देखा है जो फ्रेंशियम से बना हो, एक बार को सीजियम तो आपने सुना भी होगा लेकिन आपने कभी भी फ्रेंशियम का कोई यूज या फ्रेंशियम का कोई एलिमेंट आपने पढ़ा है नहीं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ये बाहर निकलेंगे तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि इनमें आग ही लग जाती है। पहले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली ये अवेलेबल होते ही नहीं। अब देखो सीजियम है, सीजियम कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हुआ कि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए ना बेताब है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये रिलीज कर सकता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस आप ये देखो, कभी आपने सीजियम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, सीजियम के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि ये सीजियम का कंपाउंड है, नहीं ना। तो ये ना फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। तो टिन का एटॉमिक नंबर याद रखिए 50, और सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है इस ऑप्शन के हिसाब से टिन हो गया। बाकी और ऑप्शन में लेके आऊंगी तो आप करना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना, अच्छा मिक्स क्वेश्चन है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है। सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला आपने चैप्टर किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, तो उसी चैप्टर के हिसाब से जरा बताइए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट न्यूटन लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, न्यूटन तो हम फोर्स के लिए लिखते हैं, है ना, और किसके लिए लिखते हैं, न्यूटन, न्यूटन फोर्स के लिए लिख दिया हमने, वेट के लिए न्यूटन लिख दिया है ना, कूलम किसके लिए लिखते हैं हम, कूलम जो है वो चार्ज के लिए लिखते हैं, कैपेसिटेंस के लिए लिखा तो फैराड लिख दिया। अब आगे से याद रखिएगा यहाँ पे
डाइबे, डाइबे करके याद रखिए, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आप डाइबे करके याद रखिए, ठीक है। डाइबे विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड रेडियो एक्टिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब अभी क्या है कि जब आप इसको एज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको इसके लिक्विड फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट आप याद रख लीजिए, पहले ग्रुप का, ठीक है, पहले ग्रुप का, पहले ग्रुप में सातवें पीरियड में रखा हुआ एलिमेंट है। बताइए किसकी बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और सातवें पीरियड में रखा हुआ है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है और सातवें पीरियड में रखा हुआ है। बताइए, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ब्रोमीन जो है ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, लिक्विड ब्रोमीन, लिक्विड लिक्विड, अरे अरे आप ये कहीं पे नॉन मेटल मेटल तो लिखा ही नहीं है, एलिमेंट लिखा है, एंड ब्रोमीन जो है ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ब्रोमीन आप आंसर कर रहे हो लेकिन ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, ब्रोमीन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये याद रखिए भाई, थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे, ब्रोमीन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मरकरी अगेन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जीए जो है वो गैलियम लिखा हुआ है, गैलियम प्योरली मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, बहुत कम होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सारे नहीं लर्न करने हैं आप, फ्रेंशियम करके याद रखिए, और जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ज्यादातर सारे के सारे 82 के बाद ही शुरू होते हैं। तो पहली बात तो 82 से पहले के जो एलिमेंट्स है ना उनको आप रेडियो एक्टिव अगर लिख रहे हो तो सोचिए टेक्नेशियम आएगा उसमें और कोई भी नहीं आएगा, टेक्नेशियम आ जाता है, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं। और क्वेश्चन में देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि लिक्विड अवस्था में अगर आ जाए तो होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। इसके लिए फ्रेंशियम करके याद रखिए, पहले ग्रुप का सेवंथ पीरियड में रखा हुआ एलिमेंट जिसका फ्रेंशियम नाम है वो आपका लिक्विड अवस्था में होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन कितना होता है, पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों की लर्न करनी है, तीन बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि या तो कोई भी चीज जो है वो एसिडिक है, एसिडिक होगी तो उसकी वैल्यू 0 से 6.9 के बीच में या 0 से लेके 6.9 ही रखिए, अगर कोई भी चीज न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है तो उसकी वैल्यू 7 होगी, और कोई भी चीज अगर बेसिक है यानी कि अम्लीय और क्षारीय जैसे हम बोलते हैं तो क्षारीय है कोई भी चीज तो उसकी वैल्यू जो है वो 7.1 से लेके 14 के बीच में आएगी। अगर हम यूरिन की पीएच वैल्यू की बात करें तो 4.8 लिखें या फिर 5.5 लिखें, आप ही के आंसर्स में कंफ्यूजन है, यूरिन की पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी है आपको, 4.8 से लेके 5.2 होती है तो 4.8 से मैक्सिमम कितनी लेके जा सकते हो आप, 5.2, 5.5 नहीं लिखना है, ठीक है, 4.8 जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा, और इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं वो 4.8 से 5.2 के बीच में जा सकती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर, और वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है, लेकिन यूरिया की और यूरिक एसिड की, यूरिया की प्रेजेंस की वजह से, यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से और अमोनिया की प्रेजेंस की वजह से यूरिन का पीएच हो जाता है 4.8, है ना, विच ओर इज कॉमन इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल आप सबको आता हुआ इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, ऐसा कौन सा अयस्क, अच्छा एक क्लास जो है ना वो सिर्फ हम ओर्स और इसी की कराएंगे, ओर्स और अलॉयज की, ठीक है, उससे पहले ही मैं आपको उसका थ्योरी का पीडीएफ जो है वो दे दूंगी और मैं बता दूंगी कि थ्योरी का पीडीएफ आज अटैच है, पढ़ना है कल इसको और कल इसका टेस्ट होगा, ठीक है, फॉर्मूले ही तो लर्न करना है, ज्यादा कुछ नहीं लर्न करना है, उसमें फॉर्मूले ही करना है, तो मैं एक टेस्ट पहले ही आपको बता दूंगी और इसी वीक करेंगे ताकि केमिस्ट्री अभी पता ही है तो यहाँ पे अपने को रहेगा याद ना, विच ओर इज कॉमन इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बताइए सी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट, पूरा फॉर्मूला जो है वो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट करके लिखते हैं, और डोलोमाइट आंसर करिए, डोलोमाइट कॉमन हो रहा है किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। मुंज मेटल, मुंज मेटल कंटेन्स विच ऑफ द मेटल, अब ये क्या है ना अलॉयज जब बनते हैं ना तो अलॉयज, अच्छा देखो मुंज मेटल आपको पता है कौन से मेटल्स होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं यानी कि कॉइन्स बनाते हैं। अब एक इसके साथ एक चीज और बताइए, पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को हम सिक्का एलिमेंट या सिक्का ग्रुप करके बोलते हैं ना, सिक्का या कॉइनेज ग्रुप करके बोला जाता है, मैं एलिमेंट्स के नाम बता देती हूँ, कॉपर हो गया,
सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यहाँ पे मतलब ये सिल्वर ये गोल्ड हो गया, कॉपर कॉपर गोल्ड सिल्वर ये तीन मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है, इन्हीं के ही मेटल्स जो है वो बनाए जाते हैं। गोल्ड के मेटल्स गुप्ता एम्पायर के द्वारा सबसे पहले कडफिशेस है ना, विम कडफिशेस या ये कनिष्का डायनेस्टी वगैरह इन्होंने शुरू किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोने गुप्ता एम्पायर, सोने के सिक्के गुप्ता एम्पायर ने बनाया था। मुंज मेटल को हम क्या बोलते हैं, मुंज मेटल को कॉइन मेटल करके बोला जाता है, और इसमें हम हाँ इलेवेंथ ग्रुप बिल्कुल कॉइनेज मेटल, कॉइनेज ग्रुप किसको बोलते हैं, इलेवेंथ वाले ग्रुप को हम कॉइनेज मेटल के नाम से जानते हैं। और मुंज मेटल की फॉर्मेशन क्या होती है बताइए, कौन सा यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट कौन सी एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं, रेशियो क्या रहेगा, निकेल इस्तेमाल करेंगे क्या कभी मेटल में, पहले तो ये निकेल वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, मुंज मेटल में कभी भी निकेल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, कभी भी निकेल जो है ना, देखिए चार एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, पांच हो गए बेसिकली, और सिक्का अगर बनाते हैं तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ ग्रुप को इस्तेमाल किया जाता है, किसको, इलेवेंथ ग्रुप और ट्वेल्थ ग्रुप। अब लर्न करो आप, देखो जब भी सिक्का बनाते हैं तो इलेवेंथ ग्रुप जो है वो तो प्राइमरी हो गया, आप कॉपर इस्तेमाल करोगे ही करोगे सिक्के बनाने के लिए, है ना, 60% तो कॉपर इस्तेमाल होगा, लेकिन 40% जो है वो यहाँ पे जिंक को इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर एंड जिंक। अब देखो जरा कितना कंफ्यूजन है, चांदी क्यों क्यों मिलाएंगे यहाँ पे, कॉपर और टिन तो मिलाएंगे नहीं, कॉपर और जिंक करके याद रखिए, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है, 60-40 का रेशियो मुंज मेटल कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, अब नहीं भूलना है, ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से मिलके। विच डिजीज ऑफ द प्लांट इज नोन एज रिंग डिजीज, पौधे के किस रोग को वलय रोग के नाम से जाना जाता है, पत्तियों पे हो जाता है और ऐसे ऐसे करके ना रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं उसमें इस तरीके से, तो ये कौन सी बीमारी के लिए बोला जाता है, देखो प्लांट डिजीज जो है ना वो आपको डिटेल में तो नहीं करना है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स की डिजीज होती है, जैसे आलू हुआ, नींबू का पौधा हुआ, गन्ना जो होता है, शुगर केन पॉलिटोट्राइकम फैल्केटम नाम की बीमारी लग जाती है, वीट के ऊपर और राइस के ऊपर जो पैडी होती है उसमें पक्सीनिया, पक्सीनिया नाम की बीमारी लग जाती है ना, ऐसे करके अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है कि प्लांट्स के ऊपर या पत्तों के ऊपर ऐसे रिंग्स बन जाते हैं। अच्छा सिट्रस कैंकर नींबू की बीमारी को होता है, सिट्रस पौधा किसका होता है, नींबू का, तो नींबू की बीमारी के लिए बोलते हैं। अब इसमें है कि एक तो देखो बिल्टिंग आएगा पौधे का ऐसे करके सुकुड़ना, जाली बन जाती है तम्बाकू के पौधे पे पत्ती पे जाली जाली बनना शुरू हो जाती है, तो जो फार्मर्स होते हैं हमारे वो समझ जाते हैं कि इसमें कीड़ा लग चुका है ना। उसी तरीके से अगर विल्टिंग ऑफ पोटैटो हो जाए, ठीक है, ये क्या है, विल्टिंग ऑफ पोटैटो होता है, विल्टिंग ऑफ पोटैटो इसको बोलते हैं, सिट्रस कैंकर होता है जब हम नींबू के लिए आपको लिखा है कि नींबू के ऊपर या सिट्रस या नींबू का पौधा जितना भी है उसके ऊपर फ्रूट के ऊपर ना ऐसे रिंग्स ब्राउन ब्राउन से बनना शुरू हो जाए तब हम उसको सिट्रस कैंकर करके बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखिए रिंग डिजीज जो है वो आलू की होती है, ठीक है, आलू की ना तीन बीमारियां होती है, एक तो होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और एक होता है रिंग और या विल्ट ऑफ पोटैटो। विल्ट ऑफ पोटैटो में पोटैटो के पौधे के ऊपर या जो पोटैटो तो अंदर है आलू तो जमीन के अंदर है ना, जो पत्ता ऊपर होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे रिंग्स बन जाते हैं तो समझ आ जाते हैं कि ये पूरा पौधा खराब हो चुका है, तो इसको हम विल्टिंग करके बोलते हैं, ठीक है, विल्टिंग करके, विल्ट ऑफ पोटैटो, आलू का मुरझाना। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे बाहरी सतह का नाम बताइए। देखिए एक पर्टिकुलर सेल, बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे साइज और उससे भी ज्यादा इसके फंक्शन है ना, और उसके अलावा सेल हमारी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई बोली जाती है और भौतिक इकाई भी यही है, भौतिक हुई संरचनात्मक हुई और कार्यात्मक इकाई भी है ना। अब इसमें एक ऐसी चीज है अगर वो है ही नहीं, मतलब ये आउटर मोस्ट बताइए, अगर ये आउटर मोस्ट चीज है ही नहीं तो क्या ये उसका वजूद एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो आउटर मोस्ट सेल की जो बाउंड्री है या सेल की जो सबसे बाहर की बाउंड्री है आप उसको किस नाम से जानोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। 1972 में सेंगर और निकोलसन, सेंगर एंड निकोलसन नाम वैज्ञानिकों के भी याद रखिएगा, सेंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये बनी होती है बाइलिपिड लेयर प्लस में प्रोटीन की जो है मात्रा ज्यादा होती है इसमें,
और इसमें 98% जो है वो होता है ग्लूकोज या ग्लाइकोक्सीजोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबसे बाहर की लेयर जो सेल के वजूद को मेंटेन कर रही है और सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है। तो आउटरमोस्ट शेल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये पूरा एक बार याद रख लेंगे, ये मैंने आपको लिख के दिया है पीडीएफ में ना। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ द मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताइए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जहां पे कोशिका द्वारा सामग्री का अंतःग्रहण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली के द्वारा होता है। मतलब सिंपली क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म या उस प्रक्रिया को बताइए जिस प्रक्रिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना जब खाता है तो खाना कैसे खाएगा कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड है तो वो इसी वॉल को थोड़ा एक्सटेंड करेगा यहाँ से ऐसे करके और उसके अंदर अपना खाना जो है वो ले जाएगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं या एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, बताइए। अब यहाँ इन क्वेश्चन के आंसर ना ध्यान से देने हैं, चाहे एग्जाम दे रहे हैं चाहे यहाँ पे। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, खाना बाहर रिमूव करना। डिफ्यूजन हमेशा गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है। डिफ्यूजन आपको सिर्फ गैसेस के लिए लिखना है और ऑस्मोसिस जो है ना वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास ना तो हायर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना कॉन्सेंट्रेशन वर्ड ही मेंशन किया गया है, तो कौन सा यहाँ पे लिखना है, एंडोसाइटोसिस करके इसका आंसर करिए, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। और ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था अमीबा के लिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अमीबा जब अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करता है, इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर ले जाता है। तो हमारे सेल के लिए जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रक्षक कवच या सेल को मेंटेन करा हुआ है, वहीं पे अमीबा के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसके खाने को अंदर ले जाने की बात कर रहा है। तो एंडो ऑस्मोसिस करके याद रखिए, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस करके याद रखना है, एंडो ऑस्मोसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, बताइए, प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं या दोनों होते हैं या दोनों ही नहीं होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलते हैं, इसके लिए आपको पता लगना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलते हैं। ध्यान से देखो, कहीं पे क्वेश्चन होएगा कंफ्यूजन तो बताइए। जब सीधा सा लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अपन ना भोजन ले रहे हैं, ना तो कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है, ना ये बोला जा रहा है कि भाई फूड वैक्यूल ये जैसे क्रिएट हो रहा है उसके लिए, ना मूवमेंट की बात हो रही है। अगर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन होता है, अच्छा आप एक चीज याद रख लीजिए, अगर ऑस्मोसिस या कहीं पे डिफ्यूजन होता है तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, कुछ चीज अंदर जाएगी तो कुछ चीज बाहर आएगी, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या एक्सचेंज। अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी हम किसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन हम बोलते हैं सियानोबैक्टीरिया को। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलते हैं, सियानोबैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, अब जीवाणु जो होते हैं वो क्या यूकैरियोटिक होते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखना है। वेरी गुड वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक लिखिए भाई, इसमें किसी को यूकैरियोटिक या बी या सी, डी, सी डी ऑप्शन किसको लग रहा है ये बताओ, डी तो किसी को नहीं लग रहा है ना, नीदर ए और बी, नीदर ए और बी का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, बोथ ए और बी। यहाँ पे याद रखिए कि जब भी हम ब्लू ग्रीन एल्गी लिखते हैं ना तो एल्गी वर्ड से धोखा नहीं खाना कि एल्गी तो प्रो यूकैरियोटिक होती है, एल्गी के आगे जब ब्लू ग्रीन लिख जाए तो प्रोकैरियोटिक, एल्गी सिर्फ लिखी हुई है ब्लू ग्रीन हटा के तो यूकैरियोटिक आंसर लिखना है, सिंपल है, प्रोकैरियोटिक हो गया। अच्छा मनुष्यों में लार अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, इस प्रतिक्रिया के लिए जो पीएच इस्तेमाल किया जाता है वो कितना होता है, हमारे सलाइवा के अंदर हमारे लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज, है ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही सबसे पहले हमारे माउथ में या मुख गुहा में सबसे पहले स्टार्च जो है वो टूटना शुरू हो जाता है ना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले माउथ में किस चीज की डाइजेशन शुरू होती है तो स्टार्च लिखिए, स्टार्च की डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होती है, माउथ में होती है, सबसे पहले डाइजेशन ही कहाँ शुरू होती है तो माउथ में। अभी अमाइलेज जो है ना वो तोड़ेगा इसको, और तोड़ने के लिए जो जो एंजाइम ये इस्तेमाल करते हैं वो कितना होगा, 6.4, है ना। तो मैक्सिमम आप याद रखिए कि हमारा जो एंजाइम होगा या हमारे माउथ का जो एंजाइम होता है वो हमेशा कितना लिखा जाता है, 6.4 करके याद रखिए, 6.4 जो है ना वो हमारा एंजाइम करके डिफाइन करते हैं। केमिकल फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड,
फेरस ऑक्साइड करके लिखा जाता है। अब फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में कंफ्यूजन ये होती है कि एक का फॉर्मूला होता है Fe2O3, राइट, Fe2O3, एक का फॉर्मूला होता है Fe3O4। बाकी दो ऑप्शन हटाई दीजिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फेरिक और फेरस में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है ना वो अंतर होता है, ठीक है, फेरिक और फेरस में ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर होता है। अगर आपसे फेरस पूछा जाए FeRRO US, राइट, तो याद रखिए इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन जो है वो 2+ वाली इस्तेमाल की गई है, राइट। और अगर यहाँ पे आपसे फेरिक वर्ड लिखा हुआ है, फेरिक, ठीक है, फेरिक वर्ड लिखा हुआ है, तो एक वर्ड में आप याद रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 इस्तेमाल की जाती है। आयरन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2, 3, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही कोई भी एलिमेंट जो है वो कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि यौगिक बनाता है। आयरन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए आयरन जो है वो मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकता है, जैसे कि फेरिक और फेरस। तो फेरिक क्या हो गया, Fe3O4, राइट, Fe, अरे बताया आंसर उसके बाद भी गलत क्यों करना है, फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड के लिए लिखना है Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के लिए Fe3O4, फेरस लिखा रहेगा तो Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 और Fe3O4। फेरिक ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए ऑर्नामेंट्स की, तो जो ज्वेलरी मार्केट में नकली ज्वेलरी जो आती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बोलते हैं, वो इधर से ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि Fe3O4 को हम इस्तेमाल करते हैं नकली ज्वेलरी बनाने के लिए, और फेरिक सॉल्ट जो होता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, भूलेंगे तो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे फेरिक ऑक्साइड का केमिकल नाम पूछे तो आप लिखिए यहाँ पे Fe3O4, और फेरस का पूछे तो Fe2O3। फ्लावर ऑफ जिंक किसको बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को या किस यौगिक जिंक के फूल को फूल के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज फ्लावर ऑफ जिंक, बताइए। निम्नलिखित में से किस यौगिक को जिंक के फूल के रूप में भी जाना जाता है, क्या हो गया, समझ आ गया ना, Fe3O4। आयरन जो है वो मल्टीपल चीजों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर ऑफ जिंक, फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको, फूल्स गोल्ड, चाइनीज व्हाइट, अच्छा इसको चाइनीज व्हाइट के रूप में भी जाना जाता है, चाइनीज व्हाइट, है ना, ये ना हम इसको पहले फ्लावर ऑफ जिंक को, फ्लावर ऑफ जिंक, चाइनीज व्हाइट, उसके अलावा इसको व्हाइट पेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम क्या, ZNO, क्या, जिंक ऑक्साइड। अच्छा याद है ना, कभी भी पेंट को सफेद पेंट अगर करना होता है तो हम जिंक मिलाते हैं, तो इसको चाइनीज व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। Which inert gas is used as a discharge tube to glow the light? बताइए, कौन सी inert gas को हम discharge tube में प्रकाश को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन सी light use की जाती है discharge tube में, कौन सी light use की जाती है, तो आपका atomic number helium neon, है ना, helium के बाद neon, neon atomic number 10, electronic configuration 28, दो shell हैं, K shell और L shell, दोनों के दोनों पूरे हैं, नियॉन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब आपको 2 या 3 मिनट, 2 या नहीं मैक्सिमम 10 सेकंड मिलेंगे एक आंसर के लिए, जल्दी जल्दी करिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, एकदम आराम से कौन से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते बताइए। इनमें से सबसे भारी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन और नाइट्रोजन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, कोई और बात नहीं हो रही, हम डेंसिटी नहीं बोल रहे, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर ही नहीं रहे। हैवीएस्ट गैस पूछा हुआ है, जब भी हम बोलते हैं हाइड्रोजन हल्का है, हीलियम जो है वो भारी है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है, और इन दोनों में एटॉमिक नंबर की डिसिमिलैरिटी के लिए मैं बात करूं तो एक का 1 है, एक का 2 है, लेकिन जैसे ही इसका एटॉमिक मास जाता है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। हीलियम का एटॉमिक मास 1 और सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये आंसर दिया जाए तो आप रेडॉन करके याद रखिए, रेडॉन हैवीएस्ट गैस हमारी कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी बोली जाती है, तो रेडॉन याद रखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैसेस, किसी भी गैस के द्वारा
क्रिएट किया गया प्रेशर, अगर आपने उसका टेम्परेचर घटा दिया है ना, तो हम जब तब प्रेशर को मैनेज करेंगे या प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। देखिए एलपीजी सिलेंडर्स जो है उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, या जो गैस होती है उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो वहां पे प्रेशर चेक किया जाता है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो गया तो फट जाएगा सिलेंडर। वैसे ही टायर्स होते हैं, टायर्स में प्रेशर होता है, तो एक नॉर्मल टायर के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। जो हाईवे पे गाड़ियां जाती हैं उनके टायर का प्रेशर जो है वो 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मेंटेन किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा, इसलिए ताकि वो बस्ट ना करें, प्रेशर ज्यादा हुआ तो चीजें बस्ट कर जाएंगी। इसके लिए हम मैनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर टायर के प्रेशर, एलपीजी के प्रेशर, या जहां पे भी हमने किसी भी एयर को कंप्रेस कर दिया किसी छोटी चीज में, तो हम उसके लिए प्रेशर जो इस्तेमाल करेंगे वो मैनोमीटर से कैलकुलेट किया जाएगा। जेट इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? जेट इंजन, ये 110 डेसिबल की साउंड के साथ जेट इंजन जो है वो छोड़े जाते हैं। और इनको किसने यहाँ पे डिस्कवर किया था? तो सर फ्रैंक विटल करके याद रखिए, सर फ्रैंक विटल। व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ द इंपल्स, इंपल्स की आवेग, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज क्या? इंपल्स है ना। अगर संवेग में परिवर्तन, संवेग की परिवर्तन में अगर दर, संवेग की दर में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। आवेग की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ऐसे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इंपल्स की यूनिट क्या होती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, न्यूटन सेकंड करके याद रखिए, न्यूटन सेकंड, चेंज इन विद, चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, या फोर्स अप्लाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इंपल्स किसी सर्कुलर चीज के लिए बोला जाता है ना, जहाँ पे एंगल डिराइव कर दिया जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बहुत इजी क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मीडियम आपके चार मीडियम में होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है जस्ट ये बता दीजिए। और ये चारों ही यूनिट आपकी लिखी हुई है बिल्कुल सही सलामत, यहाँ पे एयर लिखेंगे या वैक्यूम लिखेंगे आंसर एक ही होगा, इतना याद रखिएगा, एयर लिखेंगे या वैक्यूम लिखेंगे तो आंसर एक ही होगा, 3 × 10⁻⁸, है ना, 3 × 10⁻⁸, राइट। अगर यही चीज आपसे गैसेस के लिए पूछी जाए या सॉलिड के लिए पूछी जाए तो सबसे ज्यादा एयर में, फिर उससे कम जो है वो कहाँ पे चली जाती है, वो लिक्विड के अंदर। एयर तो ये हो गया, गैसेस ये हो गए, लिक्विड के अंदर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा या 2 लिखेंगे, बताइए जल्दी। 2.25 है ना, 2.25 जो है वो लिक्विड के लिए हो गया। सॉलिड के लिए पूछेंगे तो 2 × 10⁸। तो हवा जो है अगर उसकी गति आपसे, लाइट की अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम या एयर में, फिर होती है लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। अगर यही चीज बिल्कुल कन्वर्ट कर दी जाए और साउंड के लिए पूछी जाए तो आंसर उल्टा हो जाएगा। साउंड की सबसे ज्यादा स्टील यानी कि सॉलिड के अंदर, देन लिक्विड और देन गैसेस। गैसेस में साउंड बहुत धीरे ट्रेवल करती है, ये यूनिट्स याद रखने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परसिस्टेंस ऑफ द हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग? अच्छा, अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो आप मैक्सिमम आपके कानों में मेरी आवाज कितनी देर तक रहेगी? 1/8, 1/10, 1 सेकेंड या 1/5, बताइए। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ जैसे अभी आप सुन रहे हो यहाँ पे, तो मैक्सिमम परसेंटेज परसिस्टेंट, परसिस्टेंस होता है, देखिए विजन परसिस्टेंस, हियरिंग परसिस्टेंट, कोई चीज आप देखते हो तो हमारी हमारी रेटिना पे उसकी इमेज 1/16 सेकेंड के लिए रहती है। कितनी देर के लिए? 1/16 सेकेंड। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है तो आपको मेरी आवाज कितनी देर के लिए सुनाई देगी कानों में? 1/10 सेकेंड, और उसके बाद ये वॉल्यूम या ये जो आवाज है वो रिप्लेस हो जाएगी दूसरे किसी वर्ड से, या हट जाएगा आपके दिमाग से, है ना। यही करते हैं, आज सुबह सुने और दोपहर तक साफ यही वाला हो रहा है ना, परसिस्टेंस ही जा रही है क्वेश्चन वगैरह में, ऐसा परसिस्टेंस तो नहीं हो रहा है ना कहीं पे भी, रिटेन कर रही है ना, दिमाग में जा रही है कि सिर्फ कानों से ही बाहर आ जा रही है आवाज। चलिए बताइए डिमेंशिया जो है वो कैसे होता है? डिमेंशिया एक हमारे शरीर की बीमारी है, जैसे इंसोम्निया बोला या बीपी बोला, डायबिटीज बोला, है ना, ऐसी करके डिमेंशिया हमारे शरीर की बीमारी होती है। ब्लड इन्फेक्शन से होती है, स्टमक इन्फेक्शन से होती है, HIV इन्फेक्शन से होती है, या कैल्शियम की जब भी कमी हो जाए तब होती है। बताइए
डिमेंशिया जो है वो किसको बोला जाता है? डिमेंशिया, देखो डिमेंशिया होता है थोड़ी सी याददाश्त जो है ना वो कम हो जाए, है ना, डिमेंशिया। अब इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि ऐसी कौन सी चीज आपको लग रही है कि जिसकी वजह से ना डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, डिमेंशिया नॉर्मली मैं आपको डिमेंशिया का मतलब बता देती हूँ। डिमेंशिया का मतलब होता है जहां पे हमारा थोड़ा सा ना मतलब मेमोरी लॉस हो जाए, ऐसी वाली नहीं कि दोबारा याद आ गया, ऐसा कुछ नहीं, मेमोरी परमानेंटली लॉस हो जाए। जैसे कुछ चीजें जो है ना वो ऐसा वाला लॉस नहीं है कि बिल्कुल ही खो गए, भूल नहीं पा रहे, किसी को जान नहीं पा रहे वाला नहीं। जैसे आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोलूं और मुझे वो वर्ड समझ ही नहीं आए कि मुझे आपको बोलना क्या है, यानी कि वो मेरी मेमोरी खत्म हो गई है जो मेरे वर्ड्स को कलेक्ट करके एक सेंटेंस बता रही है। मुझे नहीं पता आपके लिए अच्छा वर्ड का मतलब क्या होता है, बुरा वर्ड, या मुझे गलत कुछ कहना है तो मैं गलत वर्ड कहाँ से लेके आऊँ। तो मेमोरी लॉस के लिए बोलते हैं, और ये मेमोरी लॉस ऐसा परमानेंट वाली नहीं है कि लोगों को भूल जाएंगे, छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं। तो अब इसमें नहीं, गजनी वाला सीन नहीं है, उसका तो दोबारा वापिस आ जा रहा है फोटो देख के। यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिमेंशिया का मतलब होता है परमानेंट लॉस्ट ऑफ सर्टेन वर्ड्स, फिर वो दोबारा सीखने पड़ेंगे। मतलब जो चीज आप बचपन में कभी सीखे थे या बचपन से सीखते जा रहे हैं वो वर्ड लॉस्ट हो गए। अब ये आप याद रखिए, आज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल ये शायद आप डिमेंशिया तो पढ़े होंगे पर इसका आंसर नहीं करे होंगे। ये बताइए, डिमेंशिया में भी कॉज्ड बाय दी एचआईवी इंफेक्शन, अगर किसी का एचआईवी इंफेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो मेमोरी लॉस भी हो सकता है या डिमेंशिया में भी रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन नहीं लिखना है क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन तो किसी और भी चीज से हो सकता है, वायरस घुस गया बॉडी के अंदर तो भी ब्लड इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया घुस गया तो भी हो गया, लेकिन एचआईवी जो है जब वो टील फोर लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है तो हमारी मेमोरी जो है ना वो भी वीक हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना डिमेंशिया वर्ड एचआईवी से रिलेट के करके कनेक्ट करिएगा। हालांकि इसके और भी रीजंस हो सकते हैं लेकिन एचआईवी इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डिमेंशिया। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, बताइए अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है बाहर निकालना बॉडी से, देखिए अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, अमीबा जब खाना लेता है अपने शरीर के अंदर तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर लेना। साइटोसिस वर्ड होता है कोशिका या सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे बायोलॉजी में एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर लेना, है ना। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू खाना जो है वो अंदर यहाँ पे गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये आपने क्या बोल दिया, एंडोसाइटोसिस बोल दिया। लेकिन अगर वो खाना पूरा तरीके से बाहर ले गए, अंदर ले गए, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी तो निकालेगा ना। वेस्ट मटेरियल के लिए यहाँ पे आपको डिफ्यूजन करके याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खाने को वेसिकल्स के थ्रू या फूड वैक्यूम के थ्रू अंदर लेके जाना, ये एंडोसाइटोसिस होता है। और खाने के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम डिफ्यूजन जो है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप एक चीज याद रखिए, अब अच्छा पहले ये बताइए फिर करेंगे, नेम दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवर्म, ये सारा सिस्टम क्या है, एक्सक्रीशन का है या इजेशन का है। तो एक्सक्रीशन होगा तो यहाँ से हम ब्लड के जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालते हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है ना। ये बताइए एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थवर्म में, अर्थवर्म केचुआ बोलते हैं ना, केचुआ, केचुआ, केचुआ में जो सर्जी, अच्छा केचुए का रंग कैसा होता है, खून का, केचुआ का खून का रंग क्या होता है, ब्लड कलर, केचुए का खून का रंग क्या होता है बताना एक बार, केचुए का ब्लड कलर क्या होता है, बोथ नेफ्रिडिया एंड मॉइस्ट स्किन। अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बोथ ही लंग कर लीजिए, वेरी गुड, नेफ्रिडिया और मॉइस्ट स्किन। ज्यादातर इस क्वेश्चन में मॉइस्ट स्किन ऑप्शन नहीं देंगे, अगर नेफ्रीडिया दें और कुछ और दें तो याद रखिएगा, ठीक है। केचुए के खून का रंग क्या होता है ये बताइए, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, या एक नीला नहीं होता, नीला नहीं लिखिएगा, नीला ऑक्टोपस में होता है और मोलस्का में होता है। देखो एक्सक्रीशन तीन तरीके से या तीन चीजों का होता है, एक्सक्रीशन या तो अमीनो वेस्ट हो सकता है या नाइट्रोजन वेस्ट हो सकता है, यूरिया हो सकता है अमीनो एसिड, यूरिया हो सकता है अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है ना। तो यूरिया जो है वो हमारे बॉडी में यानी कि मैमल्स में रिलीज होता है, अमोनिया जो है वो मछलियों में होता है,
और यूरिक एसिड जो है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स में होता है। अर्थवॉर्म जो होते हैं दे रिलीजेस दी अमोनिया ओनली, थोड़ा सा थोड़ा यूरिक एसिड करके। तो जब आपसे इस तरीके से पूछा जाए आर्थ्रोपोडा ग्रीन ग्लैंड्स या मालफेजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच में क्या होता है मालफेजियन ट्यूब्यूल, यहीं पे आपको क्रैब्स लिख दे तो आप ग्रीन ग्लैंड्स करके लिखेंगे, एनालिड्स जितने भी हैं उनमें नेफ्रिडिया और इसी में प्लैटी हेलमेंथिसिस, ये रहा देखो नेमेटोड्स और प्लैटी हेलमेंथिसिस में फ्लेम सेल्स, एनालिड्स जो है वो केचुए के लिए लिखा हुआ है, केचुआ एनालिड होता है तो वो नेफ्रिडिया करके हो गया है ना, तो ये याद रखिएगा। मोलस्का मेटानेफ्रिडिया हो गया, एकाइनोडर्मेटा में खुद का वास्कुलर सिस्टम होता है और रेप्टाइल्स में किडनी होती है और केचुए के खून का रंग जो है वो हरा होता है, हरा केचुए के खून का रंग जो है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का खून होता है उसका ग्रीन, लेकिन जैसे ही केचुआ काटा या केचुआ टूटा उसमें से जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यही ग्रीन कलर जो है वो लाल में बदल जाता है, तो इसमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो लाल रंग हो जाएगा। तो केचुए या ज्यादातर जो वॉर्म्स होते हैं ना उनके खून का कलर जो है ना वो होता है हरा, कैसा होता है हरा, है ना। The major waste produce of the produced by the human body. तो हमारे शरीर के द्वारा जो produce किया जाता है, देखिए इनको waste material ही करके बोलते हैं, हम जो waste excrete करते हैं body से बाहर, चाहे फिर वो किसी भी form में हो, है ना, चाहे fecal matter में हो, चाहे urine के form में हो, या जो हम exchange करते हैं gases CO2, तो CO2 हमारे लिए भी तो waste material है ना, वो तो plants utilize कर रहे हैं इसलिए CO2 को वापस O2 में convert कर रहे हैं। अब पौधों के लिए देखो, पौधों के लिए जरूरी चीज है CO2 और वेस्ट चीज है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन बाहर निकाल दे रहे हैं और CO2 जो है वो अंदर यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना ए करके आंसर सिर्फ नहीं लिखना है, यूरिया करके आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे जब लिखे तो आप जरा बहुत ए एंड बी करिए, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करते हैं ना, खाली यूरिया नहीं होगा ना इसका आंसर। अब वैसे तो यूरिया हो गया, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फीकल मैटर क्या होता है सीधा सीधा नाइट्रोजन प्रोडक्ट है, उसके अलावा हम स्वेटिंग रिलीज करते हैं, स्वेटिंग पसीना जो निकलता है वो क्या है, पसीना जो बॉडी से निकलता है वो भी तो वेस्ट मटेरियल है ना, एक्सेस सॉल्ट हमारे बॉडी में जो है वो हम पसीने के थ्रू निकालते हैं, तो ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, कोई एक चीज वेस्ट मटेरियल नहीं होती, सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, यूरिया भी हो गया, तो यहाँ पे बोथ करके लिखिए, ठीक है बोथ, और इसके अलावा स्वेटिंग याद रखिए, फीकल मैटर याद रखिए, सलाइवा जो हम रिलीज करते हैं कभी कभी तो वो सलाइवा भी तो वेस्ट मटेरियल हो गया ना जो यूज ही नहीं हो रहा है। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार है बताइए। अब ये जो CO2 हम वेस्ट प्रोड्यूस के वेस्ट के मटेरियल में बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इसको कौन बाहर निकाल रहा है, तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हो रहा है, किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तरीका डिफ्यूजन का हो गया, करवा कौन रहे हैं, हमारे लंग्स जो है ना उसको करवा रहे हैं, ठीक है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, और प्रत्येक वृक्क बड़ी संख्या में उत्सर्जी इकाइयों से बना होता है जिसे कहा जाता है क्या, हमारी सारी किडनी या हमारी जो दो किडनी है, सारी कहाँ, दो ही तो है ना, दो किडनी जो है वो उसके अंदर ना ऐसे करके ऐसे हेयर पिन लाइक लूप्स जो है ना वो रखे रहते हैं, वही मेन चीज होती है, वही खराब होने लगेगा तो लंग्स में गड़बड़ हो जाएगी, क्या लिखते हैं नेफ्रॉन्स लिखते हैं ना, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होगी, नेफ्रॉन्स होगी, ऐसा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसा पिरामिड्स के अंदर ना बंद होते हैं, तो नेफ्रॉन करके याद रखिए इसमें, बाकी भी चीजें मौजूद होती हैं, ग्लोमेरुलस भी होते हैं, वुमेन्स कैप्सूल भी है, ब्लड भी है, उसके बाद ट्यूब्यूल्स भी जो है वो मौजूद होता है, कलेक्टिंग डक्ट है, PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, वासा रेक्टा भी है वहां पे, है ना, लेकिन उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। लाइट प्रोपोगेट्स रेक्टिलिनियर ड्यू टू, बताइए, प्रकाश लंबवत रूप से फैलता है ऐसे करके, लाइट हमेशा जो पास करती है वो एक स्ट्रेट लाइट होती है जिसको हम रे या किरण बोलते हैं, तो कभी भी लाइट देखना आप ऐसे से जूम घूम घाम के तो नहीं जाती ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइट, तभी तो हम लाइट वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन ये सब पढ़ते हैं, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट भी होगी तो भी स्ट्रेट ही होगी, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, वेव नेचर की वजह से, या फ्रीक्वेंसी की वजह से, बताइए ये चीज
किसकी वेव लेंथ की वजह से? नहीं, वेव लेंथ से इसका क्या मतलब, वेव लेंथ और लाइट की रेस, वेव लेंथ तो ये बताती है ना कि हमारी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर आपको वेव नेचर बताना है। आपने नहीं पढ़ा है वेव कैन ट्रेवल, मतलब पार्टिकल कैन ट्रेवल बोथ एज दी वेव एंड दी दी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इसमें कभी भी वेव लेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी है, वेव नेचर जो है वो उसके प्रोपोगेशन का तरीका बताएगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी कि कन्वर्ज लाइट पे ट्रेवल करेगी। कोई भी लाइट, या तो स्ट्रेट, जैसे रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है। साउंड के लिए आप ये बनाते हो तो ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये तो जिगजैग मोशन हो गया। हमेशा इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे वेव नेचर करके याद रखना है, ठीक है, वेव नेचर। अजय ये बताइए, विच अमंग दी फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कार्डियक अरेस्ट और कुछ अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियक अरेस्ट वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिजीज एंड कॉज का अलग से करा देंगे ना, डिजीज के अलग से काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड। अब देखो, अब आपके जितने भी टॉपिक्स है ना वो सारे के सारे इस वाले सेगमेंट में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आप सिर्फ टॉपिक लिखिए और जैसे जो टॉपिक आया है अगर आपको उसमें, अब देखिए क्या होता है ना, कितना भी चीजें करा दे, हमने आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट नहीं कराया, बहुत बार आपने पढ़े ही हो, है ना, हार्मोन सिस्टम नहीं कराया क्या, बहुत बार पढ़े ही है ना हार्मोन सिस्टम, लेकिन कई बार 40% थ्योरी इसलिए होती है ताकि आप हर एक टॉपिक, किसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है वो आप समझ पाओ। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो सिर्फ आप इसी तरीके से ही पढ़ के दे पाओगे। सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं लास्ट पूरे वीक बोली हूँ कि अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। कई बार होता है कि शायद उस थ्योरी में जो आपने पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन थ्योरी से रिलेवेंट जो एक क्वेश्चन किया था उससे क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये वही वाली चीजें हैं। मैं आपको बाकी साइंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ग्रुप डी की अगर हम बात करें या एसएससी के भी एग्जाम्स जो चल रहे हैं सीजीएल वाले, आपको सीजीएल में जो भी 4 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपके इन टेस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। आपके ग्रुप डी में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आपकी 2 क्लासेस से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए सीजीएल के लिए तो मैं बोलती हूँ सिर्फ इससे ही हो जाएंगे, लेकिन ग्रुप डी में क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं और थोड़ा फॉर्मूला वगैरह भी आता है, तो ये वाली और 6 बजे वाली क्लास दोनों कर लीजिए, सारा कुछ कवर हो जाएगा। एपिनेफ्रिन करके लिखे हैं यहाँ पे, एपिनेफ्रिन कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए जिस हार्मोन को डॉक्टर्स एज एन इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो एपिनेफ्रिन ही होता है। एपिनेफ्रिन में जो मिनरल्स होते हैं बॉडी के अंदर उसका लेवल को अप या डाउन कर दिया जाता है ताकि जो आर्टरीज हैं उसमें चोकिंग ना हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा चाहिए या ब्लड प्रेशर कम चाहिए उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दी सोलेनॉइड एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट। सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे हमने ये मैग्नेट है ना इसके ऊपर ऐसे कर, ये जो आपने रेडियो टेप्स टेलीविजन मोटर या इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज आपके होते हैं, मिक्सी होती है, मिक्सी, इन सब में ना सोलेनॉइड्स को और बार मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है बार मैग्नेट की वो कितनी होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट किस चीज के लिए लिखते हैं हम यहाँ पे, अपोजिट होगा, सेम होगा, क्या रहेगा, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट और सोलेनॉइड बार मैग्नेट के अंदर, और ये जो वायर आपको दिख रही है जिसको आप सोलेनॉइड बोलते हो, ये हमेशा याद रखिए कि इसके अंदर जो मूवमेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें पैट के लिए भी इस्तेमाल, हाँ पैट वाले क्वेश्चन भी भाई मैं इंक्लूड कर रही हूँ। इस बार मैं बता देती हूँ कि अगर सीईटी या पैट आता है, पैट तो लागू हो गए, तो अगर सीईटी या पैट आता है ना एग्जाम अगर इसी पैटर्न से होता है तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिए कि उसमें फिर हर सब्जेक्ट की इक्वल जो है वो परसेंटेज हो जाती है। प्री के लिए है ये अभी तक, तो साइंस की भी इक्वल परसेंटेज हो जाएगी, तो जो क्वेश्चन आएंगे मैं यहाँ पे भी कंप्लीट करा दूंगी ना, इसके लिए भी कंप्लीट करा दूंगी, तो एक बार इसको पूरे को याद रख लीजिए। बाकी 6 बजे 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे और 30 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। 7 से 8 ये क्लास जो है वो अपनी रखेंगे,
1 आवर साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि मिक्स टेस्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता देखो हमारे एग्जाम में फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी या बायोलॉजी आएगी, इसीलिए हम किसी एक को जस्टिफाई करने के चक्कर में बाकी दो के साथ कहीं इनजस्टिफिकेशन ना कर दें, इसीलिए हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और कोशिश रहेगी कि बराबर ही क्वेश्चन रहे। अगर सिंगल चैप्टर पढ़ना है तो शाम को 6 बजे वाली क्लास में कर लीजिए, अभी वहां पे फिजिक्स चल रहा है 6 PM की क्लास के अंदर, राइट। और इस 6 PM की क्लास के अंदर अभी फिजिक्स का आज चैप्टर नंबर 4 और क्लास नंबर आपकी 5th है ना, क्लास नंबर 5th है, 6th है, 5th नंबर की क्लास है, तो आज इसको आज ही पर डे 30 MCQs, 30-35 MCQs, 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास शाम को, और अभी 9 बजे यूट्यूब पे है ना, 9 AM पे। अच्छा आज की क्लास 8:50 करी है, 8:50 है, ठीक है, आज की क्लास 8:50 पे है, 8:50 PM, और ये सारा आप स्टैटिक SSC कॉम्बेट का जो टेस्ट है ना वो आपको हर संडे देना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन और कोई भी क्लास जो है वो अटेंड करनी है तो उसके लिए आप अन अकेडमी के ऊपर शिप्रा लाइव कोड यूज कर लीजिए, आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। और हाँ ये अब ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, कई सारे बच्चे सिर्फ यही चाह रहे हैं कि मिक्स टेस्ट कराया जाए ताकि ओवरऑल पर डे एक साइंस का टेस्ट दे दें तो ग्रुप डी की भी टेंशन नहीं रहे। आगे मैं इसमें कोशिश करूंगी कि छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो भी आपके आने शुरू हो जाए। अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए, NTPC के लिए देखिए NTPC का आप एक बार आंसर भी सब निकल जाने दीजिए, ग्रुप डी का पेपर थोड़ा सा हो जाने दीजिए, CBT 2 के लिए मैं साइंस के लेवल 2 की क्लास शुरू करूंगी, ये सब जो पढ़ रहे हो ना आप साइंस का वो साइंस का लेवल 1 है, ये सब चीजें यहीं तक पूछी जाती हैं ग्रुप डी में, लेकिन CBT 2 के लिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा हर तरीके से, तो उसको हम लेवल 2 के नाम से ना नई क्लास शुरू करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिक्लेयर हो जाने दीजिए, ग्रुप डी के पेपर शुरू हो जाने दीजिए, उसी के बाद ही NTPC के पेपर होंगे। देखिए जब तक ग्रुप डी रेलवे पेपर नहीं कराएगी तब तक CBT 2 जो है ना वो रुक जाइए, और अभी क्या है ना कि ये लोग आंसर की निकालेंगे 10-15 दिन इसी में निकालेंगे आंसर्स की रिप्रेजेंटेशन, एंड इसी बीच में आपकी ना कोई ग्रुप डी की डेट भी आ जाएगी, तो अब 15 अगस्त निकल चुका है, अब आप ना अपने ग्रुप डी की डेट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर लीजिए 24 तारीख के बाद CGL का पेपर जिस दिन हो जाएगा उस दिन के बाद आप किसी भी दिन अपने ग्रुप डी की डेट एग्जाम की ना एक्सपेक्टेड करिए, तो तब तक जितना मैक्सिमम हम रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, जैसे ही एग्जाम का डेट आ जाएगा ग्रुप डी का तो स्पेसिफिकली ग्रुप डी के लिए इस वाली क्लास को चलाएंगे, और CBT 2 या PAT वगैरह जो होते हैं उसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे, बाकी अभी के लिए इसमें मैं NTPC के और ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन। अच्छा ये क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस लिखा है तो यहाँ पे ना मैं NTPC जो 2020 में हुआ है उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे नहीं है, मैं 2018 में जो NTPC हुआ था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए थे उनकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, उसके अलावा ग्रुप डी में जो पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन थे ना उनको मैं लेके आ रही हूँ, ताकि पेपर पीछे वाला कवर हो जाए और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जैसे आज कई सारे नए क्वेश्चन है तो मैं 50-50 रखूंगी, 50 प्रीवियस ईयर है और 50% जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, और मैं तो ये चाह रही हूँ कि एज इट इज लैंग्वेज के साथ आपको ना क्वेश्चन मिले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और इस बार मेरिट में आना ही है ना अपने को कैसे भी करके, तो इस बार मेरिट में अपना नाम अगर छपवाना है तो थोड़ी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो चीजें अच्छे से जाएंगी, खून पसीना थोड़ा बहाना पड़ता है, चीजों को थोड़ा भुलाना पड़ता है और एकदम तरीके से तैयारी करनी पड़ती है तब जाके ना मेरिट में नाम आएगा, एंड श्योरली विल मेक इट। तो थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी के साथ ये टेस्ट दीजिए, कम से कम 50-60 टेस्ट कर लीजिए ये मेरे साथ ग्रुप डी में जाने से पहले, शानदार साइंस का पेपर होगा 25 में से 25 वाला। और देखो ग्रुप डी के लिए मैं नहीं बोलूंगी आपको, मैं स्टैटिक जीके में बोलती हूँ कि 25 में से 16-18 मैक्सिमम है, लेकिन साइंस के लिए 25 में से 25 है, ग्रुप डी का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का जब आप टाइम से पढ़ रहे हो और ये सारी तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का तो टारगेट ही 25 में से 25 का है। स्टैटिक जीके का मैं बता देती हूँ कि 20 में से 2 क्वेश्चन मैं एग्जेम्प्टेड करूंगी, 2 या 3 एग्जेम्प्टेड करूंगी, तो यहाँ पे 17 और 18 का स्कोर का टारगेट लेके मैं चल रही हूँ यहाँ पे जो स्टैटिक जीके की क्लास है, लेकिन इसमें टारगेट में ये कि कभी भी कुछ अचानक से अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टैटिक जीके की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंस का टारगेट जो है ना वो 25 में से 25 होना चाहिए, और ओवरऑल 45 में से ना कम से कम जो आपको नंबर लेके आने हैं वो 42 के आसपास होने चाहिए, तब आप अपने आपको ना साइंस रीजनिंग और मैथ्स में कहीं बराबर पाना, अगर स्टैटिक जीके और साइंस में आपके आ जाते हैं ना ये 42 नंबर
तो आप मेरिट में हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आप इतनी पढ़े हो कि आप उनमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। 55 में से ना तकरीबन तकरीबन आप उनमें 45 के आसपास तो रहने ही वाले हो ना, 45 के आसपास। तो ये 45 और 42 मिला के आपको मेरिट में ले जाएंगे, और इसमें जीके और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो लेट्स डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आज से सिर्फ प्रैक्टिस 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 करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है, और ये वाली क्लास है शाम वाली, देखना ना भूलिए। देखिए 6 बजे वाली और 7 बजे वाली, दो ही तो क्लास है, 6 बजे वाली और 7 बजे वाली। 9 PM की क्लास में तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट करा रही हूँ, और वो मैं कराती हूँ खाली 30 मिनट। आज से मैं उसमें 25 ही क्वेश्चन कराऊंगी, और क्लास को बिल्कुल 30 मिनट पे एंड करूंगी, तो आपका टेंशन भी नहीं। 6 और 7 बजे वाली क्लास डिटेल में करेंगे 40-45-50 मिनट की, और 9 बजे वाली क्लास मैक्सिमम 30 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो मैं 50-28 के बीच में खत्म कर दूंगी। तो ये शाम की जो क्लासेस है उनको जरूर से फॉलो करिए, क्योंकि मैंने हर चीज को थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया है कि यहाँ पे आप मिक्स सेंस दोगे तो शाम को फिजिक्स करोगे, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके करोगे 9 बजे, तो आप शाम को जो है वो मिक्स वाला स्टैटिक जीके का टेस्ट करोगे। तो इन दोनों चीजों को फॉलो करते हुए जरा ध्यान रखिए, और क्लास में ज्वाइन करना है 6 बजे वाली भी, 7 बजे वाली और 9 बजे वाली। तो सिर्फ एक टेस्ट आगे देना है 30-25 मिनट का, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लास की पीडीएफ और 6 बजे वाली क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर ही अलग से भी, अभी कमेंट सेक्शन में अगले 10 मिनट्स के अंदर आपको ये कमेंट्स जो है वो मिलेंगे। अब आप मुझे मिलोगे 8:50 पे, ठीक है, 8:50 AM पे स्टैटिक जीके की क्लास, आर्टिकल्स की क्लास है आज, तो मिस भी नहीं करनी है। 8:50 पे मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। अनअकैडमी पर मैराथन क्लास लगानी है, क्यों भाई मैराथन क्लास यूट्यूब पे लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है फायदा उठा लें, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर लें। हालांकि डिवाइड ही हो जाती है, एक मैराथन क्लास नहीं, संडे को भी एक क्लास रखेंगे मनोज, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको बोला ना, बस मुझे 15 दिन का इनिशियल टाइम चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह का इशू होता है। अब बाकी के संडे और सैटरडे करेंगे, सारी क्लासेस करेंगे सारा दिन। अब बाकी के 15 दिन कोशिश रहेगी कि सारा दिन एक क्लास आपकी चलेगी, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, करा लेंगे। YouTube पे भी मैराथन हो जाएगी। मैंने आपको बोला जिस दिन ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाए ना, उस दिन मुझे बता देना। जिस दिन ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया उसी के संडे, उसके बाद जो भी संडे होगा चाहे अगले ही दिन हो, साइंस की थ्योरी की एक मैराथन क्लास और साइंस के क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास, जो 2018 में क्वेश्चन 2018 के पेपर में जाने से पहले एक मैराथन क्लास कराई थी 500 क्वेश्चन की, और ग्रुप डी में ना 16-17 के आसपास क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से या उन्हीं टॉपिक से रिलेट कर रहे थे। तो वही जो है ना, वो अभी भी वही वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। आप बस नोटिफिकेशन आने दीजिए, हर नोटिफिकेशन के पहले, चाहे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन हो, चाहे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन हो, CBT 2 का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, ये मैं कराऊंगी। एसएससी सीजीएल या एसएससी में साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जितने पूछे जाते हैं वो आप इन्हीं क्लासेस से कवर बढ़िया तरीके से कर सकते हो, इसलिए सीजीएल से पहले नहीं करा मैराथन। ग्रुप डी और एनटीपीसी से पहले मैं आपको मैराथन की क्लासेस कराऊंगी, तो आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना। टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्या पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये आपको टेंशन लेना है, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं।